हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ बन रही है मेरी तुलसी वाली चाय। जैसे कि विंटर्स आ गई हैं तो मुझे तुलसी वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। देन मुझे अपनी नॉवल कंप्लीट करनी थी, तो मैंने यहाँ पे कामिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करके मैंने अपनी नॉवल और चाय को इन्जॉय किया। मैरीगोल्ड का सीज़न आ गया है तो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ अभी प्लांटिंग। मामा लेके आए हैं तो उनको मैं अभी प्लांटर में लगाने वाली हूँ। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ कुछ प्लांट्स लेकर आए थे और जैसे कि मैरीगोल्ड प्लांट का सीज़न आ गया है तो बस मैं उन्हें प्लास्टिक बैग से निकाल कर प्लांटर्स में सेट कर रही हूँ और फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। तो घर में फ्रेश पालक आ गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना कश्मीरी हाक बनाया जाए। तो बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर से है उनको पता होगा कि कश्मीरी हाक क्या होता है। बेसिकली इट्स अ कश्मीरी साग। तो जो इसके रूट्स थे वो मैंने कट कर दिया और उसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी। अगर आप में से किसी ने भी मेरी रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा, आप चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बर्तन में पानी लिया। अब मैं इसी वॉश पालक को डाल रही हूँ और 5 मिनट्स तक ढक कर मैं इसको बॉयल आने दूंगी। एंड वुडन स्पैचुला ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है। फिर 5 मिनट्स बाद मैं ढक्कन खोल दूंगी एंड इसको खुले में पकाऊंगी ताकि इसका स्मेल होता है वो निकल जाए। अब मैं यहाँ पे आपके साथ एक किचन हैक शेयर करूँगी। जैसे हम काफ़ी सारी वेजिटेबल्स को कट करते हैं और हम अपने काउंटर पे ही उसको लाइक ऐसे थ्रो कर देते हैं, डोंट डू दिस क्योंकि इससे एक तो टाइम वेस्ट बहुत होता है और बाद में सफाई डबल करनी पड़ती है। तो व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर ले लिया। वेजिटेबल्स काटते टाइम जो वेस्ट है वो मैं डायरेक्टली इसमें डाल रही हूँ सो दैट मेरे लिए बाद में ईजी हो किचन को क्लीन करना। हैक नंबर टू, अगर आपको भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है जब हमें लहसुन को छीलना होता है, सो व्हाट आई डू, कोई भी ऐसा हैवी सा चीज़ ले लें एंड गार्लिक के ऊपर आप ऐसे बीट करें तो देखिए कितना इजीली इसका जो कवरिंग है वो आराम से निकल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सो इट इज़ अ वेरी ईजी एंड सिंपल हैक। इससे एक तो टाइम भी बचता है एंड किचन काउंटर क्लीन भी रहता है। एंड इसके जो रूट साइड से और ऊपर वाली साइड से जो अनवांटेड पार्ट है उसे मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में वेजिटेबल्स का फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, स्पेशली साग और पालक का। तो यहाँ पे मैं जितने भी खड़े मसाले हैं वो मैं डाल रही हूँ। एंड देन मैंने इसमें चॉप्ड अनियंस डाले एंड देन बे लीफ डाली, देगी मिर्च। देगी मिर्च जो कश्मीरी देगी मिर्च है वो मैंने 1 चम्मच डाला। यही इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कश्मीरी हाक बनाने का। एंड मैंने इसको अच्छे से सॉटे किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे कि हमने इसमें कश्मीरी देगी मिर्च डाली हुई है तो ध्यान रखें वो जले ना, इसलिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया टमाटो पेस्ट और इसको अच्छे से मैं भूनूंगी जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब मैंने इसमें डाल दिए मसाले, जैसे 1 चम्मच नमक, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, मीट मसाला एंड किचन मसाला। एंड देन मैं ऊपर से इसमें डाल रही हूँ ड्राई कस्तूरी मेथी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे तो इसलिए मैंने वो ऐड कर दिया। अब मैंने इसको अच्छे से सॉटे करना है एंड देन मैं इसमें जो बॉइल्ड पालक है वो मैं डाल दूंगी। एंड पालक
तक अच्छे से बॉईल हो गई थी, अब मैं वो ऐड कर रही हूँ और ऐसे खुली खुली लंबी लंबी इसमें डलती है बिना कटे। अब मैं इसको 10 to 15 मिनट्स इसको ढक के पकाऊंगी। मैंने इसमें एक कटोरी पानी भी ऐड कर दिया था। अब साइड बाय साइड बन रहे थे राइस, तो राइस का मैंने पानी लिया, उसको अच्छे से बॉईल किया एंड देन इसमें मैंने जो खड़े मसाले हैं अपनी मर्ज़ी के मैंने इसमें ऐड किए, जैसे 2 लौंग, 1 बे लीफ और 1 बड़ी इलायची एंड देन राइस इसमें मैंने ऐड कर दिया एंड थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया। अब बीच बीच में मैं इसको हिला रही हूँ और देख रही हूँ और हल्का हल्का सा एंड स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा बीट कर रही हूँ एंड राइस मेरे कुक हो गए थे। तो यहाँ पे ये मेरी वेजिटेबल तो ये बन गई थी यहाँ पे एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा यमी बनती है, हमें राइस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, सो इट वॉज़ रियली यमी। इसे आप राइस या चपाती की या नान के साथ खा सकते हैं। जबरदस्त सा कोल्ड और उसकी चेस्ट भी कंजेस्टेड है एंड उसको ब्रीदिंग का भी इशू हो रहा है, तो मुझे किसने कहा था कि आप होम रेमेडीज को ट्राई करें जो कि आयुर्वेदिक है, तो मैं कुछ दिन से ट्राई कर रही हूँ, तो मैं उसका सेकेंड बैच बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो अगर आप लोगों के घर में भी कोई बेबीज हैं या फिर बच्चे हैं या फिर उनको आप सर्दियों में ठंड से बचाना चाहते हैं तो ये वाली रेमेडीज, तो दीज आर 100% इफेक्टिव, बहुत अच्छे से वर्क करती हैं बच्चों के ऊपर, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अजवाइन पोटली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 5 से 6 लौंग, 1 जायफल और 2 लहसुन। तो बस मैंने पैन लिया, उसके ऊपर मैं इसको रोस्ट करूँगी, तो इसको मैं रोस्ट करूँगी जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं दूसरा वे बता रही हूँ कि अगर आप पैन पे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी रोस्ट कर सकते हो। फिर मैंने तुलसी के पत्ते भी ऐड कर दिए थे एंड में क्योंकि उसको हल्का सा ही भुनना था। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉटन का कपड़ा, आप चाहे तो मसलिन का भी कपड़ा ले सकते हैं। अब सारा स्टफ़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एंड फिर मैं नॉट बांधूँगी, फिर 4 कॉर्नर्स को लेकर मैं एक अच्छे से नॉट बांधूँगी ताकि ये खुले ना। देन यहाँ पे यूज़ करने से पहले मैं पैन पे इसको थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं चेस्ट पे यूज़ करूँगी बिकॉज उसकी कंजेशन ज़्यादा है। तो रोहांच जब सो रहा होता है तो मैं उसके नाक के पास उसको स्मेल करवाती हूँ एंड चेस्ट पे भी उसको लगा देती हूँ, उसके बाद मैं इसके पिल्लो के पास रख देती हूँ ताकि वो पूरी रात उसको स्मेल करता रहे। सेकेंड जो मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है दैट इज़ हर्बल ऑयल या फिर अजवाइन वाला ऑयल। तो सबसे पहले मैंने लिया 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, 2 गार्लिक, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन एंड 1 छोटा चम्मच मेथी का, मैं मेथी भी ऐड कर देती हूँ और तुलसी के पत्ते भी मैं ऐड कर देती हूँ। मैं देन इसको अच्छे से पकाना है ताकि सारे फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो जाए ऑयल में। देन साथ ही साथ मैंने एक ग्लास का कंटेनर लिया, उसको मैं अच्छे से वॉश करके स्टरलाइज कर रही हूँ यहाँ पर। प्लास्टिक का कंटेनर ना यूज़ करें। तो जो थर्ड रेमेडी है, अगर आपका बेबी 6 मंथ से ऊपर है तो ही आप उसको ये पानी दे सकते हो। मैंने इसमें लिया 1 कप पानी एंड उसमें मैंने 3 पत्ते डाल दिए तुलसी के और 1 छोटा सा जिंजर, क्योंकि जिंजर बहुत तीखा होता है इसलिए बहुत कम यूज़ करना है। देन जब वो उठता है तो मैं उसको थोड़ा सा गर्म करके पिलाती हूँ। सो गाइस, ऑयल इज़ रेडी वाटर स्टरलाइजेशन के लिए है और मेक श्योर कि आप ग्लास की बॉटल ही यूज़ करें, प्लास्टिक की बिल्कुल इस्तेमाल ना करें बिकॉज इट इज़ रियली नॉट गुड। एंड देन पानी जो गर्म हो गया है उसको मैं इसमें स्टोर करके रख दूँगी, जैसे कि रोहान 7 मंथ्स ओल्ड बेबी है तो मैं उसको पानी भी देती हूँ और तुलसी और जिंजर का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो वो मैं इसमें स्टोर करके रख दूँगी और जब जब मुझे लगेगा कि उसको देना चाहिए तो इसमें गर्म भी रहेगा और उसको मैं देती रहूँगी। सो जब ऑयल रेडी हो जाए उसको हल्का सा गर्म करना है एंड जो बच्चे के जो पैर के नीचे जो सोल होता है, तला होता है, उस पर लगाना है, फिंगर्स की टिप्स पे लगाना है एंड ऊपर लगाना है। तो पूरे पैर पे अच्छे से मसाज करते हुए इसको लगाना है क्योंकि बच्चा थक भी जाता है तो उसको मसाज से भी काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है और ये अच्छे से ऑयल पेनिट्रेट होता है। फिर सॉक्सेस पे ना देनी है ताकि जहाँ पे आपने ऑयल मसाज किया है वहाँ पे हवा ना लगे।
तो बस इसके चेस्ट पे भी मैं इस तरीके से ऑयल को रब करती हूँ ताकि हवा ना लगे। तो मैं आप लोगों को डेमो देने लगी थी, तो ये बस उठ गया था एंड ही वॉज़ ट्राइंग टू होल्ड माई कैमरा। एंड एनीवेज़, तो बैक पे भी इस तरीके से ही यूज़ करना है एंड देन क्विल्ट दे के ताकि अच्छे से गर्माहट मिले, और इसको मैं सुला देती हूँ। देन ये मैं बेबी विक्स रब भी यूज़ करती हूँ, तो कभी मिडिल ऑफ द नाइट अगर वो उठता है और कंजेशन ज़्यादा हो तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। सो गाइज, ये ऑयल मैंने यूज़ कर दिया है रोहांच पे। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कैसे इसे यूज़ किया है। जब ये दोपहर को सोता है तब मैं इसको लगाती हूँ, और जब वो रात को सोता है तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो ये वाला जो ऑयल है ये 100% सेफ है, 100% इफेक्टिव है और बिल्कुल काम करता है। मैं इसे 2 डेज से इस्तेमाल कर रही हूँ रोहांच की बॉडी पे, एंड ट्रस्ट मी, उसका जो चेस्ट कंजेशन था वो काफ़ी हद तक बेहतर है। जितनी भी रेमेडीज़ मैंने आपको दिखाई वो अच्छे से काम कर रही हैं। तो ये वाली रेमेडीज़ आप ज़रूर ट्राई करें, अगर आपके घर में भी बेबीज़ हैं या फिर छोटे बच्चे हैं जिनको कफ एंड कोल्ड हो गया है, या फिर अगर आप अपने बच्चों को कफ एंड कोल्ड से बचाना चाहते हो इस विंटर्स में, तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। ये वाला ऑयल तो डेफिनेटली ट्राई करें, ये वाली रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, अच्छे से काम करती है एंड आई एम रियली हैप्पी। सेकेंड, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं ना गार्लिक होता है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लें बच्चे की बॉडी में। आप देखें कि कहीं उसको रैशेस तो नहीं हो रहे, बिकॉज ये ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए थोड़ा ही यूज़ करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो गार्लिक एलर्जिक भी होता है, तो इसलिए आप हमेशा पहले पैच टेस्ट करें। तो आज है संडे एंड हमारी फ्रेंड आई थी एंड उसने स्टे करना था, तो उसको घूमना था इलांटे, तो हम लोग चले गए उसको लेके इलांटे मॉल में। तो सबसे पहले हम चले गए थे ज़ारा के स्टोर पे, वहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्रेंट बिलंगी चटैक्सी कलेक्शन आई हुई है फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर। बहुत अच्छे कलर्स हैं, बहुत ब्लिंगी कलेक्शन है। ऑल्सो रोहांच का ये फर्स्ट विजिट था इलांटे में, तो वो बहुत इंजॉय कर रहा था। देन हम डिनर के लिए चले गए थे सोशल, सो वी हैड सम गुड ड्रिंक्स एंड फूड एंड लाइव म्यूजिक भी था, तो वी वर एंजॉयिंग सो मच। That's it guys, I really hope आप लोगों को पसंद आया।